सिंचाई विभाग का लिपिक 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हुआ ट्रेप। हनुमानगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने आज 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक लिपिक को दबोचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी कार्यालय में शिकायत मिली कि पुलिया को पास कराने के लिए लिपिक 15,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसमें एसीबी ने सत्यापन कर लिपिक को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी, हमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ को एक शिकायत मिली थी। परिवादी 35 MOD निवासी परिवादी है, उनसे तो शिकायत ये थी कि उनके खेत में आने जाने के लिए खाले के ऊपर से पुलिया बनी हुई थी, उसको स्वीकृत करवाने के लिए परिवादी ने अप्लीकेशन दी थी यहाँ AEN कार्यालय खंड द्वितीय सिंचाई विभाग में, जहाँ पे परिवादी ने शिकायत में बताया कि सतपाल जाखड़ UDC द्वारा उसके कार्य करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। उसके बाद में नियमानुसार शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन होने के बाद में आज दिनांक को ACB टीम द्वारा सतपाल जाखड़ UDC सिंचाई विभाग को रंगे हाथों 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं 15,000 रुपये रिश्वत की राशि एक अलग टीम द्वारा उसके घर की तलाशी ली जा रही है। कहाँ का निवासी है? आरोपी हनुमानगढ़ का ही निवासी है और दूसरी टीम भेज दी गई है उनके घर पर तलाशी। उच्च अधिकारियों को भी साथ में मिलने की कोई ऐसी आशंका है, उनकी भी जाँच होगी? हाँ, हर बिंदु पर जाँच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में हर बिंदु पर जाँच की जाएगी। इसमें मैं राजेंद्र सिंह निरीक्षक ACB हनुमानगढ़ से। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।